जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराए लोग साथ क्या देंगे। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मूल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यारा आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु हमें हर जन्म ऐसे ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने ये परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपकी ज़िंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा ये है कि उनकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है दिल। अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। ये सच है कि जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है लड़ना भी ख़त्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं
वो आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं मगर जिद नहीं। मधुर वाणी ही जपे, मधुर वाणी ही तपे। सबसे ज़्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियाँ ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। ज़िंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर भी मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक को भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी की बेइज्जती मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी भी किसी हालात में बिखरते मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करना। हवा की तरह होती है मुसीबतें, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को है। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। भागवत गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपने जीवन में जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नज़र से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं भगवान नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये सात बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली खुद के राज, दूसरी दूसरों के राज, तीसरी आपके घर की समस्या, चौथी आपके रिश्ते, पांचवी आपके डर और आपकी कमजोरियां, छठी अपने सपने और आपके लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पे ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती,
धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज़्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदल कर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटती। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुँह से नहीं निकालता। विचारों को वश में रखें वो तुम्हारे शब्द बनेंगे, शब्दों को वश में रखिए वो तुम्हारे कर्म बनेंगे, कर्मों को वश में रखिए वो तुम्हारी आदत बनेगी, आदतों को वश में रखिए वो तुम्हारा चरित्र बनेगा, चरित्र को वश में रखिए वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। बोलना सीखिए वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखती रहे। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जीती जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वारा हर बड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, यही सच है। कितने अजीब है ये ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। इन पांच जगहों पर हमेशा चुप रहें। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरत कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। ज़िंदगी की सबसे अच्छी दवा है ज़िम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, ज़िंदगी भर थकान नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं।
जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंके से होती हैं, जो आती है वो चली जाती है, पर जब जब आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है ज़रूरी नहीं कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर ज़िंदगी आपके साथ खेल खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। ज़िंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम अपना सम्मान कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए, जो नहीं मिला उसके लिए दुख मनाना नहीं चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे कई ज़्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत कुछ सहा है, यह आपके साथ भी होगा, पर अगर इससे ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए आप इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। ज़िंदगी में एक इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देती हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। ज़िंदगी में दो चीज़ें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल के साथ लगाव। टाइम पास करने के लिए बहुत से खिलौने बनाए हैं इंसान ने, फिर भी ना जाने क्यों लोग दिल को खिलौना समझकर खेलते रहते हैं। हर वक्त मिलती रहती है मुझे अनजानी सी सजा, मैं कैसे पूछूं तकदीर से कि मेरा कसूर क्या है। कभी कभी किसी के लफ्ज़ हमें इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या वाकई मैं इतना बुरा हूँ। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। मजबूरी में कोई जुदा नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। देकर आपकी आंखों में आंसू, अकेले में वो आपसे भी ज़्यादा रोता है। तो छोड़ दे कोशिशें इंसान को पहचानने की, यहाँ ज़रूरत के हिसाब से बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा ख़राब है, ना किसी से नाराज़गी है ना ही किसी से मोहब्बत है। बार बार अगर अपने होने का एहसास दिलाना पड़े तो हम अकेले ही अच्छे हैं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने में आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने में आता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। किसी को ना पाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, लेकिन किसी को पाकर खो देने से बाकी भी नहीं रहता। खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज़ छीन लिया करते हैं। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं। इसलिए जब कोई दिल से जाता है तो दिल तोड़कर ही जाता है। खामोश रहना ही बेहतर है, लफ्ज़ों के अक्सर लोग गलत मतलब निकालते हैं। अगर किस्मत लिखने का हक मेरी माँ को होता तो मेरी ज़िंदगी में एक भी गम ना होता। किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन हमने जब अजमाया तो पता चला कि ये दुनिया तो मतलब से चलती है। ये दुनिया भी अजीब है, यहाँ झूठ बोलने से नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। एक शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी,
बस जिंदगी गुजर गई, आते आते क्या मिला तुझे, इस दुनिया से तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। गलती उसकी नहीं, कसूर मेरी गरीबी थी, हम अपनी औकात भूलकर बड़े लोगों से दिल लगा बैठे। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और किसी को खोकर भी देख लिया। तब जाकर पता चला कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले में जीना सीख लिया। किसी से नाराजगी इतने वक्त तक ना रखो कि वह तुम्हारे बगैर ही जीना सीख जाए। कौन कहता है दर्द के लिए सिर्फ मोहब्बत जिम्मेदार होती है, कमबख्त दोस्ती भी बहुत दर्द देती है। अगर दिल से हो जाए सारी दुनिया रूठ जाए, मुझे कोई दुख नहीं, बस एक तेरा खामोश रहना मुझे अंदर तक तकलीफ देता है। बदलना कौन चाहता है जनाब, लोग यहाँ मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में तुम्हें मेरे जैसे बहुत मिलेंगे, लेकिन उनमें से तुम्हें हम नहीं मिलेंगे। लगता था जिंदगी को बदलने में टाइम लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। हमने सोचा था कि बताएंगे सब दुख दर्द तुमको, पर तुमने तो इतना भी ना पूछा कि खामोश क्यों। टूटकर बिखर जाते हैं वो लोग मिट्टी की दीवारों की तरह, जो खुद से भी ज़्यादा किसी और से प्यार करते हैं। जिन्हें शिकायत थी कभी मेरे ना मुस्कुराने पर, आज रो भी देता हूँ तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसका दिल सच्चा होता है ना, अक्सर उनकी किस्मत खराब होती है। तेरे रोने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दिल जिनके चाहने वाले ज़्यादा हो वो अक्सर बेदर्द हुआ करते हैं। ज़िंदगी में खुद को कभी इंसान का आदि मत बनाना, क्योंकि इंसान केवल अपने मतलब से प्यार करता है। गलतफहमी में जीने का मज़ा कुछ और ही है, वरना हकीकत तो अक्सर रुला देती है। सीख ना पाए हम मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई रिश्ते छीन लिए हमसे। कुछ बातें समझने पर नहीं, बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ आती हैं। खोकर पता चलता है कीमत किसी की, पास अगर हो तो एहसास होता है। इतना दर्द शायद मौत भी ना देगी जितना दर्द तेरी खामोशी दे रही है। जो लोग छोटी सी बात पर भी जल्दी रोते हैं, वास्तव में वो लोग दिल के बड़े सच्चे होते हैं। कुछ लोग डायरी इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता। बुरा तब लगता है जब गलती ना होते हुए भी गलत ठहराया जाए। कोई नहीं है समझने वाला, जो भी आता है रुला कर जाता है। जितना दुश्मन नहीं तड़पाते उससे ज़्यादा वो यादें तड़पाती हैं जिन्हें हम भुला नहीं पाते। इस दुनिया में सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि यहाँ ताना मारने वालों की कमी नहीं। दुनिया में सब कुछ बदलता है, तारीख बदलती है, लोग बदलते हैं और अपने बदलते हैं और किस्मत भी बदलती है। दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है, जिसे हम चाहते हैं वो किसी और को चाहता है। जो हमें समझना ही नहीं चाहता, अब हम उन्हें समझना भी नहीं चाहते। उन्हें हक है कि वो हमें गलत ही समझे। कुछ वक्त माँ बाप के साथ बिताया करो, हर चीज़ गूगल में ढूंढने से नहीं मिलती। यहाँ तो चुप रहना ठीक है, यहाँ तो लोग बातों का जल्दी बुरा मान जाते हैं। किसी से इतना भी मत रूठो कि बाद में वह इंसान ही ना रहे। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ नहीं। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिशें व्यर्थ हैं। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला, बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग केवल ज़रूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा
होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोए। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा, लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया की छोड़िए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। सफलता के पथ पर चलने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी दिशा सही हो, अन्यथा आप सफलता के नज़दीक नहीं अपितु सफलता से दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगाना होगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, परंतु हड़बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। सफल व्यक्ति की एक निशानी होती है, ये अनुमान के आधार पर नहीं अपितु प्रमाण के आधार पर निर्णय लेते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है वह अपने जीवन में शांति स्थापित जरूर कर पाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।